यार आज तो सिंचन और चोप ने बोला था कि जल्दी उन्हें स्कूल से लेकर आना है। वैसे भी मुझे लगता है आज मैं लेट हो जाता, इसलिए अच्छा उन्हें आज छुट्टी करवा देता हूँ जल्दी। अरे ये क्या चल रहा है, अब ये कौन सा फंक्शन आ गया स्कूल के अंदर? सिंचन और चोप ने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। एक मिनट, ये मुझे सामने कौन दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है सामने फ्लैश खड़ा है? सिंचन और चोप के स्कूल के अंदर फ्लैश भी आ गया। गाइस अब देखना तो पड़ेगा कि फ्लैश क्या कह रहा है। जो भी बच्चा इस वीक के अंदर नीट एंड क्लीन स्कूल के अंदर आएगा उसे फ्लैश की तरफ से सुपर हीरो बैच दिया जाएगा। उस सुपर हीरो बैच की मदद से वो किसी टाइम भी फ्लैश को अपनी मदद के लिए बुला सकता है। पर एक बात ध्यान में रहे, पूरे वीक नीट एंड क्लीन आना है और पूरी अटेंडेंस करनी है स्कूल के अंदर। जो भी इन सारे रूल्स को फॉलो करेगा उसे ही मिलेगा ये बैच। तो सारे बच्चे तैयार हो जाओ। और हाँ, एक और बात मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, उसे फ्लैश की तरफ से फ्लैश का एक सूट भी दिया जाएगा। चुप, इस बार भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि पिछली दफा भी हमें ही नाम मिला था। हम पूरे साल नीट एंड क्लीन आए थे और पूरी अटेंडेंस भी लगवाई थी। मैं तो इस दफा नीट एंड क्लीन आऊंगा और ये सुपर हीरो फ्लैश का बैच मैं ही हासिल करूंगा। राजू और जग्गू, तुम लोग तो भूल ही जाओ कि तुम लोगों को फ्लैश का सुपर हीरो बैच मिलेगा। अले तो अब तेल को पता नहीं है, इस दफा लादू ही लेकर जाएगा ये बैच। और हाँ राजू, इस दफा हमें ही ये बैच हासिल करना पड़ेगा ताकि सिंचन और चोप को पता चले कि हम लोग भी पूरी अटेंडेंस और नीट एंड क्लीन आ सकते हैं स्कूल के अंदर। अरे वाह गाइस, ये तो काफी ज्यादा अच्छा चांस है। सिंचन और चोप और राजू और जग्गू, मुझे लगता है अब इनका कॉम्पिटिशन होगा और ये लोग स्कूल से छुट्टी भी नहीं करेंगे और उसके बाद नीट एंड क्लीन आएंगे स्कूल के अंदर। तो ठीक है, जो कुछ मैंने बताना था तुम लोगों को बता दिया। अब मुझे देश की रक्षा भी करनी है, मुझे जाना पड़ेगा। अब फ्लैश सबसे ज्यादा तेज भागने वाला सुपर हीरो है। ओके गाइस, फ्लैश तो जा चुका है और अभी तक तो मुझे लगता है ये फंक्शन फिर से खत्म नहीं होने वाला। जब तक सिंचन और चोप और राजू और जग्गू यहाँ पर इस फंक्शन में है, तो मुझे लगता है मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। और फ्लैश इस साइड पर ही गया है और क्यों ना फ्लैश से मैं मिल रूं। वैसे भी फ्लैश का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे फ्लैश के साथ सेल्फी बनाना तो बनती ही है। फ्लैश अभी इतना ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने की तरफ तो पूरी जस्टिस लीग जमा है, पर ये लोग कर क्या रहे हैं? मुझे छुपकर सुनना पड़ेगा, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली। फ्लैश तुम्हें पता ही है, तुम्हें वो सारे एजी सूट बाय करने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास एजी सूट ना हुए तो तुम्हें जस्टिस लीग से बाहर निकाल दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी जस्टिस लीग काफी ज्यादा कमजोर हो। हमारे दुश्मनों की पावर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर फ्लैश तुम्हें जस्टिस लीग के अंदर आना है तो तुम्हें एजी सूट के साथ आना पड़ेगा। सुपरमैन ने भी अपने सारे एजी सूट बाय कर लिए हैं। फ्लैश तुम्हें भी जस्टिस लीग के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके बैटमैन, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्लैश के ये एजी सूट बाय कर सकूं। ओके ठीक है, अब हमें जाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये सब कुछ चल रहा है, मैंने सारी की सारी बातें सुन रही हैं और मुझे लगता है मुझे फ्लैश की मदद करनी चाहिए। और एक और बात, सुपरमैन ने तो मुझे बताया नहीं। यार सुपरमैन के एजी सूट भी मैंने उसे लेकर दिए थे, लेकिन ये बात तो फ्लैश मानेगा नहीं, क्योंकि गाइस मैं ठहरा एक आम इंसान और सुपरमैन एक सुपर हीरो है। तो गाइस वो तो सुपरमैन की बातों पर यकीन करेंगे। अच्छा वो फ्रैंकलिन, तुम भी आ गए, मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। तुम्हें फ्लैश की मदद करनी पड़ेगी। देखो मेरे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, मुझे की रक्षा भी करनी है और अपने एजी सूट को भी बाय करके लाना है। तो ये दोनों काम मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें डीसी लीग के एजी स्टोर से मेरे सूट बाय करने पड़ेंगे। मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। अगर ये मैं ना कर सका तो मुझे जस्टिस लीग से बाहर निकाल दिया जाएगा। अबे गाइस, मुझे लगता है फ्लैश को भी मेरी मदद की जरूरत पड़ चुकी है, तो मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे भी मुझे भी फ्लैश के एजी सूट बाय करने ही थे। ठीक है फ्लैश, मैं तेरे सारे सूट डीसी लीग के एजी स्टोर से बाय करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए मुझे तो फ्लैश का सूट चाहिए होगा ना, क्योंकि मेरे पास अगर फ्लैश का सूट नहीं होगा तो मैं डीसी लीग के एजी स्टोर को ओपन ही कर पाऊंगा। पर उसे एक्सेस करने के लिए मुझे तो फ्लैश का सूट चाहिए होगा। तो रेडी हो जाओ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें अपना सूट देने वाला हूँ। उस सूट को पहनने के बाद तुम बाकी एजी सूट को एक्सेस कर सकते हो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है फ्लैश, मैं रेडी हूँ। ओके, मैं भी फ्लैश बन चुका हूँ। लेकिन ये क्या, ये तो फ्लैश का बिल्कुल नॉर्मल सूट है। फ्लैश के सूट के अंदर फ्लैश की एज 50 है। इस सूट के जरिए तुम बाकी एजी सूट को एक्सेस कर सकते हो। ओके तो फ्लैश ठीक है फिर। गाइस अब मुझे लगता है ना बाकी मेहनत अब मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। गाइस पता नहीं है सुपर हीरो को एक फ्रैंकलिन ही मिला हुआ है। मैं तो फ्लैश का ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होने वाला है मेरे साथ। लेकिन गाइस कोई नहीं, फ्लैश एक सुपर हीरो है और सुपर हीरो देश की रक्षा जो करते हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम लोग
सुपर हीरो की मदद करे। अरे मुझे भागना पड़ेगा, फ्लैश के इस सूट के अंदर एज तो 50 है लेकिन फ्लैश जैसी पावर नहीं है इसके अंदर। मैं भाग कर तो इस साइड पर आ चुका हूँ पर ये सामने लोग क्यों बैठे हुए हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है इनके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है या ये मुसीबत में है। फ्लैश प्लीज तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम ही हो जो इस राक्षस को मार सकते हो, इसने मेरे भाई को मार डाला है और ये जो सामने बैठे रो रहे हैं इनके भी बेटे को मार डाला है उसने, वो बहुत सारे लोगों को मार चुका है। अब फ्लैश तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो, प्लीज फ्लैश प्लीज तुम्हें बाकी लोगों को बचाना होगा। गाइस अब क्या किया जाए, ये भी मुझे रियल फ्लैश समझने शुरू हो गया है। अब मुझे लगता है मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए, मुझे अब जल्दी से जाना होगा। किस राक्षस की बात कर रही है? अरे ये क्या, अरे इसने तो बहुत सारे लोगों को मार डाला है। गाइस मैं तो समझ रहा था इसने एक दो लोगों को मारा होगा, अरे यहाँ पर तो काफी ज्यादा लाशें पड़ी हुई है। अरे मैं तो समझ रहा था कोई छोटा मोटा बॉडी बिल्डर होगा ये, लेकिन तो वाकई में ये तो काफी बड़ा राक्षस है। और मुझे लगता है सामने पैसे भी पड़े हुए हैं और पैसे की मुझे वैसे भी काफी सख्त जरूरत है। मुझे लगता है ना इसे मारने के मुझे 150 पैसे मिल सकते हैं। हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर तुम इस राक्षस को मार गिराते हो तो तुम्हें पूरे $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। पर एक बात याद रखना, इस राक्षस को आज तक कोई हरा नहीं पाया और अगर तुम इसके हाथों से मार जाते हो तो तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। सामने देख सकते हो इसने कई जिंदा लोगों की लाशें बना डाली है, लगता है तुम्हें भी मौत प्यारी है तो तुम भी इस चैलेंज में हिस्सा ले सकते हो। मैंने तुम्हारा इस चैलेंज के अंदर नाम एंटर कर दिया है, मुझे लगता है अब तो मुझे इस राक्षस का मुकाबला करना ही पड़ेगा। वैसे भी इसे मारने के तो $1,00,000 मिल रहे हैं, पर पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जल्दी से पहले जाना पड़ेगा, अरे सामने तो इसका मुकाबला इस छोटे से बंदे के साथ है। ये मेरे साथ मुकाबला करेगा, अब देखना इसका मैं क्या हल करने वाला हूँ। सारे लोग देखना, ये मैंने इसको गर्दन से पकड़ लिया है और ये फेंका मैंने, अब ये मर चुका है। कुछ मिनटों की तो बात थी, और किसी में हिम्मत है जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो आ जाए इस रिंग के अंदर। ओके यार गाइस ये क्या हुआ, इस राक्षस से तो उसे सांस भी नहीं लेने दिया। मुझे लगता है ना मुझे इसका मुकाबला ध्यान से करना पड़ेगा, मैं तो इसे कमजोर समझ रहा था लेकिन वाकई में ये तो शक्तिशाली है। तो गाइस वैसे भी हम लोग भी किसी से कम नहीं है, आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में फ्लैश ओपी लिख दो ताकि हम लोग भी ना इससे मजा चखा सके। ओके मैं इस रिंग के अंदर तो आ चुका हूँ, ये क्या ये तो मुझे पंच मारना शुरू हो चुका है, लेकिन गाइस इसके पंच कितने ही बड़े हैं। अरे ओके कोई खतरनाक पंच मारा इसने, अरे नहीं गाइस इसको ना थोड़ा सा चकमा देना पड़ेगा, मेरे पास एक आइडिया। ओके क्या ही पेट में पंच मारा मैंने इसके, हाँ मेरी गुस्से लाते तैयार हो चुके हैं इसके लिए। अरे ये क्या हुआ इतनी जल्दी गिर चुका है, मेरे ख्याल में ये मर चुका है अब। नहीं 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 ये तो नाटक कर रहा था, ये साला नौटंकी कहीं का, इससे मेरे मुंडी से पकड़ लिया है। एक मिनट ये पावर मेरे पास कहाँ से आई, ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे इसे मारना पड़ेगा वरना ये मुझे मार डालेगा। ओके क्या ही खतरनाक तरीके से फेंका मैंने इसे, ओके ये मर चुका है अब। और गाइस क्या ही गोल गोल गुलाटी मार रहा हूँ मैं तो, इस सूट के अंदर भी फ्लैश की कोई ना कोई पावर छुपी हुई थी जो कि मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और मुझे लगता है ना ये अब $1,00,000 मेरे हो चुके हैं। तुमने ये चैलेंज जीत लिया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस राक्षस को आज तक कोई हरा नहीं पाया था और तुमने कुछ ही मिनटों में इसे हरा दिया। अरे ये सब तो मेरी बाएं हाथ का खेल था। गाइस मुझे पैसे लेकर निकलना चाहिए, कहीं पर ये राक्षस उठ गया ना तो मेरी खैर नहीं, ये $1,00,000 तो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अब मुझे किसी सेफ एंड सिक्योर जगह पर जाना पड़ेगा क्योंकि फ्लैश ये है जो डीसी लीक के जी स्टोर को एक्सेस कर सकता है। ओके गाइस मैं इस साइट पर पहुंच चुका हूँ और ये जगह मुझे काफी ज्यादा सेफ नजर आ रही है, तो जल्दी से डीसी लीक का जी स्टोर ओपन करते हैं। ये रहा $1,00,000 का सूट और इसके अंदर फ्लैश की एज है 100। ये मैंने किया क्लिक एंड बाय। गाइस हमने ये सूट बाय कर लिया है, वाकई में ये सूट देखने में तो क्या ही खतरनाक नजर आ रहा है। अब मुझे तो इस सूट की पावर को चेक करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे मैं तो काफी ज्यादा तेज भाग पा रहा हूँ इस सूट के अंदर। गाइस कमाल की पावर है यार इस सूट के अंदर। ये रही कुछ एक्स्ट्रा पावर फ्लैश की, अरे इस पावर से तो पूरी की पूरी रोड डैमेज हो चुकी है। और ये रही कुछ खतरनाक पावर्स, इसके जरिए लगता है किसी को भी कुछ मिनटों के अंदर निकल सकता हूँ। ओके यार हम लोग तो जमीन के अंदर धस चुके हैं, अब मैं किसी को नजर भी नहीं आने वाला। ऐसी पावर तो मैंने कभी नहीं देखी फ्लैश के अंदर, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ चुका है। हाँ मुझे फ्लैश के और भी सूट बाय करने पड़ेंगे, मुझे जल्दी से भागकर जाना पड़ेगा। ये मैं सामने क्या देख रहा हूँ, इतने लोग क्यों जमा हुए हैं और सामने तो टीवी भी लगी हुई है। मुझे लगता है कुछ न कुछ चल रहा होगा, मुझे जाना चाहिए। इस साइड पर तो मैं पहुंच चुका हूं और मुझे देखना पड़ेगा ये टीवी में चल क्या रहा है। एक और खूनी खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस खेल के अंदर माउंट चिलाट की पहाड़ियों से खतरनाक रास्तों से होते हुए साइकिल को चलाना पड़ेगा जो
बच्चों के किसी बड़े राइडर के लिए भी ये करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस चैलेंज के लिए पूरे $5,00,000 का इनाम रखा गया है। जो भी इस खूनी खेल को खेलना चाहता है वो माउंट चिलाट की पहाड़ी पर आ सकता है। इस खूनी खेल के अंदर वार्निंग दी जाती है कि जो भी इस खेल को खेलेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही होगा। इस खेल के अंदर आकर वो अपनी लक और अपनी मौत को आजमा सकता है। गाइस अब मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा। $5,00,000 का इनाम जो रखा गया है और इस खूनी खेल को मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तो जल्दी से मुझे माउंट चिलाट की पहाड़ी पर पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर ये खतरनाक चैलेंज रखा गया है। मैं इस जगह पर तो पहुँच ही चुका हूँ, ये जगह तो वाकई में काफी खतरनाक है। तुम भी इस खूनी खेल में हिस्सा लेना चाहते हो? जीतने वाले को $5,00,000 का इनाम दिया जाएगा और जो हारेगा सिर्फ उसे मौत ही मिलेगी। अगर इस चैलेंज को खेलना चाहते हो तो तुम्हारा नाम एंटर कर दिया गया है। ओके, मैं इस चैलेंज को खेलना चाहता हूँ और मुझे लगता है इस खूनी खेल को मैं ही जीतूंगा। और ये क्या, ये तो काफी जल्दी में मुझे लग रहा है। मुझे लगता है ये कह रहा होगा कि ये चैलेंज जीतेगा, लेकिन काफी खतरनाक तरीके से गिरा ये तो। अब ये दूसरा भी बैठ चुका है इस साइकिल के ऊपर और ये भी मुझे लगता है नीचे ही जाकर मरेगा। अरे दो की तो बुरी हालत हो चुकी है और एक ये सामने है, ये मुझे लगता है डर चुका है, ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो ठीक है, फिर मैं इसे मार कर गिरा देता हूँ। ये भी गिर चुका है, अब रह चुका हूँ तो मैं सिर्फ, और इस चैलेंज को मैं ही जीत के दिखाऊंगा। ओके 1 2 3 एंड गो। और इस साइकिल मैंने भगा डाली यहाँ से। ये साइकिल तो काफी स्पीड से जा रही है, लेकिन मैं गिरने वाला नहीं हूँ। काफी कंट्रोल करके मैं साइकिल को चला रहा हूँ और मुझे लगता है मुझे फिनिश पॉइंट तक पहुँचना ही पड़ेगा। ओके, अरे अरे क्या ये बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। गाइस ये पथरीला इलाका है, मुझे लगता है साइकिल किसी पत्थर से लगी तो हम लोग बड़े गंदे तरीके से गिरेंगे। ओके फाइनली तो फिलहाल तो ठीक ही मैं जा रहा हूँ। ओके मैं इस साफ रास्ते के ऊपर से जा रहा हूँ। अरे बॉल बचे गाइस, मैं तो समझ रहा था कि ये छोटा सा फिनिश पॉइंट होगा सिर्फ और मैं इसे क्लियर कर दिखाऊंगा, पर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता। ओके गाइस फाइनली मुझे फिनिश पॉइंट नजर आ चुका है और ये रहा फिनिश पॉइंट और ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर दिखाया। मैंने कहा था ना इस चैलेंज को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और बाकी तो वो दो जो साइकिल से गए थे वो अभी तक नजर नहीं आए मुझे। ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया है और फाइनली ये क्या मेरे अकाउंट में $5,00,000 भी आ चुके हैं। हाँ मुझे लगता है ना मैं नेक्स्ट एजी सूट बाय कर सकता हूँ फ्लैश का। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, आप लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा किसी सेफ फेंस की और जगह पर। मैं इस साइड पर तो आ चुका हूँ, अब जल्दी से ओपन कर लेते हैं डीसी का एजी स्टोर। ये रहा $5,00,000 का सूट और इसकी एज है 500। ये मैंने किया क्लिक एंड बाय। फाइनली गाइस हमने इस सूट को बाय कर लिया है। अरे गाइस देखने में तो ये काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। गाइस ये है फ्लैश का वेनम फ्लैश सूट। इस सूट के अंदर हम लोग ना 500 इयर्स तक जी सकते हैं। बस अब मुझे चेक करना है तो इसकी पावर्स को। क्या स्पीड से हम लोग भाग पा रहे हैं। इस सूट के अंदर तो फ्लैश की रियल पावर्स है और मैं लगता है कुछ मिनटों के अंदर ना लॉस सैंटोस के पूरे मैप को क्लियर कर दिखाऊंगा। ओके मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से भागूं। अरे सारे का सारा रास्ता तो मुझे ऐसे लग रहा है ना मैं कुछ मिनटों के अंदर पार कर रहा हूँ। ओके भागते भागते तो हम लोग इस साइड पर पहुँच चुके हैं। अरे गाइस आप लोगों ने देखा सामने से गाड़ी को, अरे क्या ही कमाल की गाड़ी थी ये। मुझे जाकर पास से देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये गोल्ड की गाड़ी है। पूरे लॉस सैंटोस के अंदर तो सारी की सारी रोडें खाली हैं, सिर्फ यही गाड़ी चल रही थी। वैसे भी मेरे माइंड में एक प्लान आ रहा है, क्यों ना हमेशा की तरह इस गाड़ी को भी चोरी कर लिया जाए और फिर इसे सिमियन की शॉप पर मैं बेच डालूंगा। गाइस इस गाड़ी के मुझे $3,000,000 तो मिल ही जाएंगे, बस मुझे छुपकर देखना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये तो वेनम की गाड़ी है और वेनम निकल रहा है इस गाड़ी से। यही अच्छा वो कह गाइस, वेनम उस साइड पर जा चुका है। अब जल्दी से मैं इसकी गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ और मुझे डरना नहीं है क्योंकि मेरे पास भी पावर्स है और मैं वेनम के सामने ये गाड़ी लेकर जाऊंगा ताकि उसे पता तो चले ये वेनम फ्लैश ने गाड़ी चोरी की है। वेनम मैं जा रहा हूँ तेरी गाड़ी लेकर, हिम्मत हुई तो मेरे पीछे आ जाना। गाइस क्या ही खतरनाक तरीके से ड्राइव हो रही है गाड़ी, ये कार तो काफी ज्यादा फास्टेस्ट है। ओके गाड़ी को भगाते भगाते तो हम लोग ना सिमियन की शॉप पर पहुँच चुके हैं, प्रीमियम डीलक्स शॉप। और सामने ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने तो मिलिट्री वाले खड़े हैं। मुझे लगता है कहीं पर इन्हें पता ना चल जाए कि ये मैं चोरी की गाड़ी लेकर आया हूँ, लेकिन इन्हें कहाँ से पता चलेगा, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तब ना। ओके ये रही गोल्ड की गाड़ी, मैं इसे बेचने आया हूँ। वैसे मुझे लगता है सिमियन आज छुट्टी पे है, अगर तुम लोग ये गाड़ी बाय करना चाहते हो तो तुम्हें मैं अच्छी कीमत पर दे सकता हूँ। हमें काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, हम सिमियन का काफी देरी से वेट कर रहे हैं पर वो अभी तक नहीं आया है और तुम्हारी ये गाड़ी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। मिलिट्री कर्नल तुम्हारी ये गाड़ी बाय करने के लिए
हथियार है। ये गाड़ी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, इसलिए इस गाड़ी के मैं तुम्हें पूरे $1 million दूंगा, जो कि $10 लाख बनते हैं। अगर तुम इस गाड़ी को बेचने के लिए तैयार हो तो मैं खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। अरे कर्नल साहब, मुझे क्या दिक्कत होगी, ऐसी इतनी महंगी बिकेगी मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। ओके कर्नल साहब, मैं तो तैयार हूँ इस गाड़ी को बेचने के लिए। ओके गाइस, मेरे अकाउंट में मिलिट्री कर्नल ने पूरे $1 million ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा और नेक्स्ट एजी सूट जो बाय करना है मैंने। सिमियोन की शॉप के बाहर ही हम लोगों ने डील कर ली। वैसे सिमियोन होता तो काफी ज्यादा कमीशन रख लेता। मुझे जाना पड़ेगा। अरे ये कौन मार रहा मुझे? अरे लगता है मुझे वैनम पीछा करते करते पहुंच गया मेरी तरफ। अरे मुझे भागना पड़ेगा। अरे ये आ रहा है वैनम मेरी तरफ। अब मुझे लगता है इसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसकी कार भी मैंने बेच डाली और इसे भी मैं मार डालूंगा। मुझे लगता है ये मुझे चैन से नेक्स्ट एजी सूट बाय नहीं करने देगा। तो पहले इसे निपटाते हैं, फिर उसके बाद आराम से सेवेंस की और जगह पर जाकर ना फ्लैश का नेक्स्ट सूट बाय करेंगे। ओके, इस पर तो मैंने लाइटनिंग स्ट्राइक फेंकना शुरू कर दिया है। अब मैं इसे उठने का मौका नहीं दूंगा। और ये रही मेरे टॉर्नेडो। इस टॉर्नेडो के अंदर तो ये आ चुका है। अरे क्या ही गोल गोल घुमा रहा हूँ मैं इसे। अब मजा आ चुका है मुझे। कहाँ पर गया वैनम? अरे इसका सर तो चकरा ही रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या ही गोल गोल घुमा कर इसे फेंका है। मुझे नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन कहीं भी नहीं है। लगता है ये डर कर भाग चुका है मुझसे। ओके, ये सामने से फिर से आ गया। कमाल की बात है यार, मार खा खा कर फिर भी मुझसे मार खाने के लिए आ जाता है ये। बहुत ही बातें, अब इसे मारने का टाइम आ चुका है और मैंने इस पर बहुत सारी लाइटनिंग स्ट्राइक फेंक दिया है। अब इसे उठने का मौका नहीं दूंगा और मैंने इस पर पंचेज की बरसात भी शुरू कर दिया है। अब उठ के बताना वैनम, मुझे लगता है ये मर चुका है। मर तो चुका है लेकिन इसका आखिरी गिफ्ट रहता है। ये रहा इसका गिफ्ट, लाइटनिंग स्ट्राइक। ओके, ये तो जलकर राख हो चुका है और थोड़ी देर में ये कोला बन जाएगा जल के। मुझे लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। ओके ओके ओके, भाग कर तो मैं इस साइड पर पहुंच चुका हूँ। मुझे लगता है इस जगह पर कोई भी नहीं है और ये सेफ एंड सिक्योर जगह सबसे ज्यादा। तो फिर सोचना क्या, डीसी लिख का एजी स्टोर ओपन कर लेते हैं। ये रहा $1 million का सूट और इसमें फ्लैश की एज है 750। ये मैंने किया क्लिक एंड बाय। गाइस, हमने ये सूट भी बाय कर लिया है। ये रहा हल्क फ्लैश, इसके अंदर हल्क की भी पावर्स होंगी और फ्लैश की भी पावर्स। तो मुझे जल्दी से भाग कर देखना पड़ेगा कि फिलहाल हमारे पास कौन सी पावर्स आई हैं। ओके, ये तो पावर रही हल्क की। वाकई में काफी ज्यादा मजा आने वाला है मुझे तो इस सूट के अंदर। अब कोई भी विलेन आया तो वो तो चुटकियों में मारा जाएगा मेरे हाथों से। कि हम लोग फ्लाई करके इस वाली बिल्डिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं। वैसे भी मुझे पावर को टेस्ट करना था और ये सारे गुंडे मेरा निशाना बनेंगे। हम लोग इन्हीं पर ही अपनी पावर को टेस्ट करने वाले हैं। अरे क्या ही पावरफुल तरीके से मैं मार रहा हूँ इन्हें। ये होती है हल्की पावर। ये तो तुम लोग शुक्र करो कि तुम लोगों को फ्लैश की पावर नहीं दिखाई। मतलब तुम लोगों को तो समझ ही नहीं लगती कि कहाँ कहाँ से मैं तुम लोगों को पंच मार रहा हूँ। ये लोग तो नीचे गिर चुके हैं। ओके, इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद तो मुझे लगता है इनकी चटनी बन चुकी होगी। अरे दो गैंग के मेंबर तो इस तरफ भी हैं और इन लोगों को भी मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ओके, ये भी मर चुके हैं। अरे क्या ही मजेदार मारा मैंने। अब मुझे जाना पड़ेगा जो बाकी बिल्डिंग के ऊपर है, उन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा, वरना वो लोग तो ये समझेंगे कि फ्लैश हल्क डर के भाग गया। अरे ये लोग तो मुझ पर छुप छुप कर ना फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जहाँ जहाँ से इनकी फायरिंग हो रही है वहाँ वहाँ पर जाकर मैं इन्हें मारूंगा। ये दो रह चुके हैं और इन्हें भी मैंने सबक सिखा दिया है। सारे के सारे गैंग वाले फिनिश हो चुके हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा, मैंने अपनी पावर को टेस्ट करना था जो कि इन पर कर दिया मैंने। ओके, मुझे भागना पड़ेगा। क्या ही स्पीड से भाग पा रहा हूँ मैं। भागते भागते तो इस साइड पर मैं पहुंच चुका हूँ। एक मिनट, ये सामने से कौन आ रहा है अब? फ्लैश हल्क, तुमने क्या समझा? तू मेरी गैंग को मारेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझे इंडिकेट मिल चुका था कि तू मेरी गैंग को मार रहा है। अब तेरा मुकाबला मेरे साथ होगा, तभी तो पता चलेगा कि किस में कितनी पावर्स है। उन गैंग को मारकर खुद को तू पावरफुल समझ रहा है ना? अब आ जा मेरे साथ, करके दिखा मुकाबला और हरा के बता मुझे। ओके, आगे बिन बुलाए मेहमान। गाइस, इसकी दावत तो करनी पड़ेगी मुझे, और दावत में जो मैं इसको पंचीज देने वाला हूँ वो क्या ही कमाल के होंगे। अरे इसे तो भगाना पड़ेगा। अरे आजा आजा इस तरफ, ये रही खुली जगह। अब इसे मारने का क्या ही मजा आएगा। मैंने इसे घूसे लाते पीटा शुरू कर दिया है। अब ये नहीं बचने वाला, ये ठहरा मॉन्स्टर हल्क। अरे ये भी बुजुर्ग की तरह पीठ पीछे से वार कर रहा है गाइस। अरे काफी देर से मैं इसे पंच पीट रहा हूँ लेकिन ये तो काफी ज्यादा खतरनाक निकला। इतनी आसानी से ये नहीं मरने वाला, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ चुका है। ओके
ओके ये मर चुका है। अब जाकर बजाया कहीं पर मुझे। हल्की पावर को तो मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया है, अब चेक करनी पड़ेगी फ्लैश की पावर। तो जल्दी से मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर फ्लैश की कैसी पावर है, मुझे भाग कर चेक करना पड़ेगा। वैसे भी इस मॉन्स्टर हल्क को मारने के मुझे पूरे 10 मिलियन डॉलर मिल चुके हैं, तो जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा डीसी लीक का एजी स्टोर खोल के फ्लैश का एजी सूट बाय करना पड़ेगा। ये होती है ना फ्लैश की स्पीड, क्या स्पीड से भाग पा रहा हूँ मैं। ओके फ्लैश की पावर भी इस बिना सही वर्क कर रही है। भागते भागते तो मैं इस ब्रिज के नीचे पहुँच चुका हूँ। अब जल्दी से मैंने ओपन कर लिया है डीसी लीक का एजी स्टोर। ये रहा 10 मिलियन डॉलर का सूट, जल्दी से करते हैं क्लिक एंड बाय। गाइस हमने ये सूट भी बाय कर लिया है। ये रहा फ्लैश का फ्यूचर सूट और इसके अंदर फ्लैश की एज है 1000 ईयर। हम लोग इस सूट के अंदर 1000 ईयर तक जी सकते हैं। इस फ्यूचर सूट के अंदर तो क्या ही ओपी पावर्स हैं। एक मिनट मुझे बाहर चेक करना पड़ेगा। गाइस आप लोग देख ही सकते हो स्लो मोशन पावर को, मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छी लगी है। अब मैंने फ्लैश के सारे एज सूट को बाय कर लिया है और फ्लैश का ये मैक्सिमम सूट है। इसके बाद हम लोग फ्लैश के और एज सूट को बाय नहीं कर पाएंगे, मुझे बाहर जल्दी से जाना पड़ेगा। लगता है सिंचन चोबर राजू और जग्गू के स्कूल में फंक्शन भी खत्म हो चुका होगा और वो मेरा वेट ही कर रहे होंगे। और फ्लैश के उसको सूट भी मिल चुके हैं। अब फ्लैश को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्टिस लीग से उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब सुपरमैन को भी उसके सूट मेरे भाई करके दे दिए और फ्लैश को भी। अब इन दोनों के जिस सूट इनके पास आ चुके हैं तो मुझे भी टाइम वेस्ट ही करना चाहिए, मुझे भी जल्दी से जाना पड़ेगा। ओके गाइस मैं सिंचन और चोब को लेने के लिए चलता हूँ और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।